मीरपुर खास से नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट। वजीर अरासीन सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत मेमन और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर शाहिदा परवीन जामड़ो का काबिले सताइश इकदाम। सड़कों पर सोने वाले बेसहारा अफराद ने कंबल और रजाइयां तकसीम की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रास्तों पर सोने वाले मुस्तहिक अफराद को शेल्टर देने के लिए झुज्जू में एक इमारत का भी इंतजाम किया गया है। मीरपुर खास जिले इंतजामिया की जानिब से दूसरे इलाकों में भी मुस्तहिक अफराद के लिए शेल्टर हाउस कायम किए जाएंगे। दादू से आसिफ अली की रिपोर्ट। खैरपुर नाथन शाह में सिंध सभा के काफिले पर पुलिस के हमले और लॉन्ग मार्च के शुरुका को गिरफ्तार करने के खिलाफ एहतजाज। अवामी वर्कर्स पार्टी SUP STP और दीगर पार्टियों की रहनुमाई में अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का लॉन्ग मार्च के शुरुका को फौरी तौर पर रिहा करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची से शबीर अबड़ो की रिपोर्ट। वजीर अला सीन सैयद मुराद अली शाह ने वजीर अला हाउस में पौधा लगाकर नए साल का आगाज किया। पौधा लगाने की तकरीब में सूबाई वज़रा ने शिरकत की। वजीर अला सीन ने वजीर जंगलात नासिर हुसैन शाह को कराची में मजीद दरख्त लगाने की हिदायत की। मीरपुर खास से नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मीरपुर खास गौस मोहम्मद यूसुफजई पठान और मीरपुर खास प्रेस क्लब के नौ मुंतखब फाइनेंस सेक्रेटरी अजीज खान यूसुफजई की जानिब से प्रेस क्लब के ओहदेदारान को नए साल की मुबारकबाद।